हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है यूके टीयर टू वीज़ा, या फिर इसको डी कैटेगरी वीज़ा भी बोलते हैं। यूके का डी कैटेगरी वीज़ा मीन्स आपको स्किल्ड होना चाहिए, स्किल्ड माइग्रेंट भी आपको कह सकते हैं वो लोग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और आप डायरेक्ट खुद से अप्लाई कर सकते हो, कितना टाइम प्रोसेस आपको लगेगा, आप हमारी भी सर्विसेज इसके अंदर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीयर टू वीजा होता क्या है। यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है काफी टाइम से, कुछ कंपनीज ऑलरेडी वीजा दे रही हैं। आपने सुना होगा केयर होम का, नर्सिंग का वीजा, प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का वीजा, आपने इस तरह के वर्कर्स जो होते हैं उनके वीजा सुने होंगे। लेकिन हमारे यहाँ हरियाणा पंजाब में क्या होता है कि किसी बंदे के पास कोई स्किल नहीं होती और उसको डॉक्यूमेंट्स में स्किल्ड बना के भेज दिया जाता है। इट मीन्स फेक डॉक्यूमेंट वो लोग लगाते हैं और भेज देते हैं। वहां जाने के बाद कंपनी को जब कैंडिडेट मिलता है और वो लोग वेट कर रहे होते हैं कि पता नहीं कितना बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा इंडिया से आने वाला है, और जब उनको मिलता है बंदा, क्या उसको कुछ भी नहीं आता, तो उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, रिफ्यूजल्स देने स्टार्ट कर दिए, साथ की साथ कोर्स वो लोग डिनाई करना स्टार्ट कर दिया। और जो लोग वहां पहुंच चुके हैं, थोड़ी यहाँ ट्रेनिंग ले लेते हैं, वीजा अप्लाई करते टाइम उनको एजेंट्स बता देते हैं और वहां जाके दिखाते हैं थोड़ा सा कि भाई हाँ हमें आता है, तो वो उनको 15 दिन में जॉब से निकाल देते हैं। तो दोस्तों, आज इसी वीडियो को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट स्किल की। आप यहाँ पर, आपके पास ANM है, GNM है, BSc नर्सिंग है, तो आप नर्सिंग स्किल के अंदर एक्सपर्ट हैं, आप जा सकते हैं, आप क्वेश्चनेबल नहीं हैं, आपके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा। आपको सिर्फ जरूरत है 1 साल की एक्सपीरियंस की और आपकी जो ANM, GNM और BSc नर्सिंग है उसकी डिग्री की। आपको यूके देगा 5 साल का वीजा। इसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्ड कैटेगरी होती हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, इस तरह की भी बहुत सारी डिमांड हैं वहां पर। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे केयर होम की, क्योंकि आज लोग, बच्चे हमारे यहाँ का जो सिनेरियो है उनके पास ज़्यादा स्किल नहीं है, लेकिन वो भी यूके जाना चाहते हैं। तो उसके लिए यूके गवर्नमेंट 20 दिन का कोर्स करा रही है ऑनलाइन, वहीं से पहले आपको वो कोर्स करना होगा। तो जिन बच्चों के पास जस्ट वो 12th पास हैं और ग्रेजुएट हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं है, उनको 20 दिन का कोर्स करना होगा, फिर कोर्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। कोर्स की फुल फॉर्म मैं रिपीट कर देता हूं, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप कहां से मिलेगी? वहां की जो कंपनी आपको जोर देगी। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं टाइम प्रोसेस क्या रहने वाला है। जिनके पास ANM, GNM, BSc नर्सिंग है, केयर होम की जॉब के अंदर जाते हैं वो लोग, उनको मैक्सिमम 25 to 30 days लगेंगे उनके हाथ में वीजा आने में, जिसके अंदर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप भी होगा जो वहां की गवर्नमेंट से अथोराइज्ड होगा, और यहाँ पर उसको VFS के अंदर अपॉइंटमेंट लेके, VFS के बाद पासपोर्ट घर आने तक वीजा लग के टोटल 30 days का टाइम लगेगा। लेकिन जिन कैंडिडेट के पास कोई स्किल नहीं है, ओनली 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, उनके लिए, उनको सबसे बेसिक जरूरत तो क्या है, PT होनी चाहिए, जिसके अंदर 46 इन ईच मॉड्यूल होने चाहिए। PT भी यूके की स्पेशलाइज्ड है। कौन सी? UKVI, PT UKVI का आपको एग्जाम देना होगा। ये सिमिलर PT एकेडमिक के जैसी होती है, जो एकेडमिक की प्रिपरेशन करते हैं वो भी इजीली इसको दे सकते हैं। तो उसके बाद आप लोग कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। 20 दिन आप यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स करेंगे, आपको वहाँ के जो इंस्टीट्यूट हैं रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे, जिनमें आप सीखेंगे, पढ़ेंगे और ऑनलाइन ही उनका एग्ज़ाम देंगे। उस एग्ज़ाम के अंदर
आप पास होंगे, आपको पास का सर्टिफिकेट मिलेगा, इट मीन्स आपके पास फिर राइट स्किल है। अगर आपके पास राइट स्किल हो गया और आपके पास आपकी ट्वेल्थ भी है या ग्रेजुएशन भी है, साथ में आपके पास यूके वीआईपीटी भी है, उसके साथ आप कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे, आप कोर्स अप्लाई कर पाओगे। कोर्स अप्लाई का मीन्स किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे, वो कंपनी आपके एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंट के बिहाव पर अपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेगी, परमिशन लेके आपको कोर्स इशू करा के देगी। तो यहां पर क्या होगा, इस प्रोसेस में पहले 20 से 22 दिन लगेंगे आपके कोर्स के, फिर आपके 20 दिन लगेंगे कोर्स के, और फिर आपके 15 दिन लगेंगे वीजा स्टाम्पिंग तक, डेट लेके वीएफएस की फिंगर्स होंगे और वीजा स्टाम्पिंग तक के 15 दिन फिर लगेंगे। इट मींस आपको लगने वाले हैं 2 मंथ। यहां पर एक श्योरिटी आपको मिल जाती है, जो मार्केट के अंदर सिनेरियो चल रहा है आप लोग देख भी पा रहे होंगे, आपके कोई नॉन भी गए होंगे जिनको वहां पर स्किल वीजा पर भेजा गया है, उनको जो नहीं मिल रही है, उनको एक महीने के बाद या तो कंपनी ने निकाल दिया होगा या फिर उन लोगों को ये कह दिया होगा कि नहीं आपको वीक में 5 डेज वर्क नहीं मिलेगा, आपको 3 दिन काम मिलेगा या 2 दिन काम मिलेगा, आपके अंदर अच्छी स्किल नहीं है, हमारे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है आपकी सर्विसेज से। तो वहां पर वो अपने एक्सपेंसेस भी नहीं निकाल पा रहे होंगे और कमा के घर पर क्या भेजेंगे वो तो आप सोच ही सकते हैं। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास कोई अपना डिप्लोमा वहां की गवर्नमेंट से अथोराइज नहीं होता, इसी वजह से हम लोग ये 20 दिन का कोर्स कराते हैं, ताकि वहां जाने के बाद आपको इस तरह की प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम ना आए आपके सामने। तो अब बात करते हैं वीजा कितने दिन का है। वीजा यहां से आपको 2 साल का लगेगा, लेकिन कंपनी आपके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेगी। 3 साल का वीजा अगर आप 2 साल अच्छे से काम करते हैं, 3 साल का वीजा कंपनी एक्सटेंड कराएगी, और 5 साल अगर आप यूके में होम केयर के अंदर रह लेते हैं, काम करते हैं, टैक्स पे करते हैं प्रॉपरली, आप उसके बाद पीआर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है, यूके का पासपोर्ट बहुत अच्छी रेपुटेशन रखता है, हमारे पासपोर्ट से तो आप समझ ही सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा है। लगभग 170 कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल होता है यूके के पासपोर्ट पर, और कुछ कंट्रीज़ हैं जहां पर तो वीज़ा लेना ही नहीं होता, डायरेक्ट एंट्री मिलती है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक, जिसके अंदर मैंने आपको बताया अगर आपके पास स्किल है आपको लगेंगे 30 डेज, और अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको लगेंगे 60 डेज। और मैंने साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट भी बता दिए आपके पास क्या होने चाहिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है प्लीज़ आप दूसरों को शेयर करिए और लाइक को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू दोस्तों।